मॉर्निंग फ्रेंड्स, फूड रेसिपी देसी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए हरे चने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे हरे चने इन्हें आधा कूट लिया है इस तरह से। और यहाँ ये मसाले हैं, जीरा, लहसुन, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने 4 स्पून ऑयल लिया है। अब इस गैस को हम चला देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तो इतनी देर में हम लहसुन को कूट लेंगे। लहसुन को कूटने के बाद ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने लहसुन को कूट लिया, इसमें 1 स्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर। अब इसको हम मिक्स करके इन्हें थोड़ी देर के लिए बहके रख देंगे। ये मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बहके रख दिया है। और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें हम जीरा चटकाएंगे। ये देखिए, हमारा जीरा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कुटे हुए हरे चने डालेंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे और हमारा गैस का फ्लेम हाई रहेगा। हम इन्हें 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे चने आधे पक चुके हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है और इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे हरे चने अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल भी ऊपर आ चुका है पकने के बाद। और अब इस 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चने की सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखें, ऊपर भी ऑयल आ चुका है पकने के बाद। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा 1/2 स्पून अमचूर पाउडर डाल देंगे जिससे इसका स्वाद और भी टेस्ट आए। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आपको मेरी हरे चने की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, जो हम आपके लिए आगे और वीडियो ला सकें। यहीं पे हम ब्लॉग करते हैं। ओके, बाय, टाटा।